जमीन को लेकर आवास विकास और नगर पालिका के बीच ठन गई है। इस मामले में आवास विकास नगर पालिका पर भारी पड़ गया है। आवास विकास की दबंगई के आगे नगर पालिका बेबस है। नगर पालिका का कहना है कि उसकी जमीन को आवास विकास जबरदस्ती अपनी साबित करने में लगा हुआ है। मामला लखीमपुर खीरी का है। मामले की शुरुआत 2022 से होती है, जब समाचार पत्र में निविदा के माध्यम से आवासीय प्लॉट का आवंटन हुआ था, जिनकी रजिस्ट्री आवास विकास के संपत्ति प्रबंधक महबूब खान के जरिए करवाई गई थी। आरोप है कि जिस जमीन पर प्लॉट बनाकर बेच दिए गए, वो जमीन नगर पालिका की थी, जिसके बाद नगर पालिका और आवास विकास परिषद आमने सामने आ गए। इस प्लॉट के लिए जब प्लॉट मालिकों ने दबाव बनाया तो आवास विकास के अधिकारियों ने आनन फानन में जमीन की पटाई करवाना शुरू कर दिया। लेकिन नगर पालिका ने ये बात जब डीएम के सामने उठाई तो डीएम ने जमीन की पैमाइश करा के दूध का दूध और पानी का पानी करने का आदेश दे दिया। इसका जिम्मा दिया गया एसडीएम श्रद्धा सिंह को। श्रद्धा सिंह ने इस जमीन की दो पक्षों की उपस्थिति में दो दो बार पैमाइश कराई तो दोनों बार जमीन नगर पालिका की ही निकली। लेकिन फिर भी आवास विकास के अधिकारी पैमाइश से संतुष्ट नहीं हुए। पैमाइश का रिजल्ट आने के बाद पटाई के कार्य को रुकवा दिया गया और कई महीनों से यथास्थिति बनी हुई है। हम लोगों ने पैमाइश करके बरखेरवा की बॉर्डर को चिन्हित कर दिया है, तो इससे राजापुर और बरखेरवा ग्राम सभा का बॉर्डर कहाँ तक है ये चिन्हित हो गया। दोनों ग्राम सभाएं अलग कर दी गई हैं निशान लगवा के। अब एक्सिन साहब का ये कहना है कि हम स्टेशन सर्वे कराएंगे, तो हम लोग भी इससे एग्री हैं, स्टेशन सर्वे करा लें, उसके बाद सर्वे के बाद जो फाइनल रिजल्ट होगा उससे आप लोग को अवगत कराया जाएगा। आपके पैमाइश के हिसाब से जो पटाई थी गलत हो रही थी? नहीं, पैमाइश हमने कराई है, बॉर्डर चिन्हित कराया है। पैमाइश तो बॉर्डर के अंदर हो रही थी। हाँ, पटाई का कुछ हिस्सा जो है बॉर्डर के अंदर है बरखेरवा ग्राम सभा में। और जो पैमाइश हुई है जमीन कहाँ तक की अभी निकल के आई है? पैमाइश हुई है वो अभी तक इन्होंने राजापुर की बाउंड्री यहाँ बताई है, पर इससे अभी हम सहमत नहीं है। आप सहमत नहीं है? इस बीच लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर देश भर में आचार संहिता लग गई। अब नगर पालिका का आरोप है कि आचार संहिता के दौरान एक बार फिर आवास विकास ने उनकी जमीन पर धावा बोल दिया और तीसरी बार जमीन की पैमाइश करा ली, वो भी उनकी गैर हाजिरी में। लेकिन इस बार पैमाइश जादुई तरीके से जमीन आवास विकास के नाम निकल आई। अब ईओ नगर पालिका इस नपाई से हैरान और असंतुष्ट हैं और उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में जमीन की नपवाई कराने की मांग कर रहे हैं। ने जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में एसडीएम साहब की अध्यक्षता में उसकी पैमाइश की गई थी, जिसमें रोड से सटे उनका 5 फीट आया हुआ था, जहां पे नगर पालिका द्वारा एक्सियन आवास विकास, उनके एई, एसडीएम सदर साहब, तहसील की टीम और नगर पालिका की टीम द्वारा वहाँ पे खंभे पिलर लगवा दिए गए और उसके बाद वो वहीं पे रह गया। बाद में अभी चुनाव के दौरान ये सुनने में आया है कि उनके द्वारा पैमाइश करके और वो कुछ पीछे बढ़ा लिए हैं। उन लोगों ने अपने से कोई टीम उनकी बुलाए थे चुनाव के दौरान, जैसा मैंने अभी बताया, तो उनको रोका गया था कि अभी चुनाव के बाद, चूँकि सभी लोग चुनाव में बिजी थे, चुनाव के बाद राजस्व की टीम के साथ पैमाइश हो जाएगी, जिसे जिसका जहाँ पे आता है वहाँ उसकी मिल जाएगा उसको। तो उस नपाई को नगरपालिका ने स्वीकार किया? नहीं, ऐसे नहीं भाई। रेवेन्यू के अगर अधिकारी बताएंगे तहसील के प्रशासन के कि जहाँ पे है वो माना जाएगा। तो ये इस तरीके से उनकी पटाई क्या अवैध है? बिल्कुल अवैध है, मैंने उनको चिट्ठी भेजी है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर दो दो बार नपाई में जिस रोड पर आवास विकास की जमीन सिर्फ 5 फुट निकली थी, वो इस बार पैमाइश में 40 फुट कैसे हो गई? अगर जमीन नगर पालिका की है तो आनन फानन में आखिर किसके दबाव से, किसके इशारे पर आवास विकास को फायदा पहुंचाने के लिए राजस्व टीम ने 5 फीट जमीन को 40 फीट में तब्दील कर दिया और आवास विकास के नाम कर दिया। फिलहाल नगर पालिका की अनुपस्थिति में हुई इस पैमाइश से नगर पालिका के अधिकारी संतुष्ट नहीं है। अब आगे क्या होगा और नगर पालिका अपनी जमीन बचाने के लिए क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे विवादित जमीन प्रकरण मामले में इस जमीन को हथियाने में आवास विकास और इसको बचाने में नगर पालिका कौन से हथकंडे अपनाएगी, ये लोगों के लिए वेट एंड वॉच का विषय है। लखीमपुर की पोस्ट, गोपाल गिरी।